कब आ रहे हो? जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। और तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल? आज का जो कैंपेन का इसको एक हैकर के ऊपर बेस्ड है, तो फिलहाल के लिए हमारे लीडरबोर्ड पे थे बट उन्हें अब बैन पड़ चुका है, तो उसके बारे में हम हमारे वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले गाइस, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक दो दिन में गाइस आपको बहुत सारे हैकर मिले होंगे। आप देखोगे तो रैंक पुश में आपको हैकर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज गाइस हमारा जो BGIS का इन गेम क्वालिफायर है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे बंदों को वो क्वालिफाई करना है, तो उनसे लेजिट तरीके से तो कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने हैक करना स्टार्ट हो चुका है। और आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, आप 8 से 10 तारीख तक आपको बहुत हैकर मिलने वाले हैं और आपका रैंक पुश थोड़ा सा स्ट्रगल चलने वाला है, तो गाइस थोड़ा ध्यान से खेलना। अब गाइस ये गेम प्ले में गाइस हमारे लीडरबोर्ड में सेकंड नंबर पे जो बंदा था वो होल्ड कर रहा था, बट वो एक हैकर था, बट फिलहाल के लिए उसे बैन पड़ चुका है। बिकॉज गाइस ये वाला गेम प्ले मैंने परसों नाइट में खेला था, और उसके बाद परसों नाइट में वो बंदे ने #2 होल्ड कर लिया था, और जैसे गाइस मैं कल मॉर्निंग में उठता हूँ तो देखता हूँ उसकी आईडी को पढ़ चुका है बैन, जो एक अच्छी बात है। लाइक क्राफ्टन वाला कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है, जो बहुत सही है, बट वो बंदा यहाँ तक कैसे पहुँच गया #2 तक? क्राफ्टन वालों ने थोड़ा सा लेट बैन किया इस बंदे को, अगर जल्दी कर दिया होता तो आई थिंक ये बंदा लीडरबोर्ड में #2 तक नहीं पढ़ता। बट कोई ना, देर आए दुरुस्त है। अब यहाँ पर गाइस मैंने हमारे जो मिरर वर्ल्ड है वहाँ पर 3 किल कर लिए, बट यहाँ पर एक बंदा थोड़ा सा सरप्राइज देके हमें मार देता है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे इरेंगल मैप में। और फिलहाल के लिए हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पर मेरा स्ट्रगल शुरू हो चुका था। अब गाइस मैंने 2 जोन इजिली सर्वाइव कर लिए, मैंने एक व्हीकल पकड़ी, मैं जोन के मिड में रोटेशन मार रहा था, बट यहाँ पर लकीली हमारा जो व्हीकल है उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर मैं ओपन में फंस जाता हूँ। और यहाँ पर हमारे सामने एक बंदा भी था पेट्रोल पंप पे, बट जो फिलहाल के लिए आई थिंक अपनी बग्गी में पेट्रोल भर रहा था गेट इन करके, तो ऐसा हम इजिली मार देते हैं। और यहाँ पर मुझे एक व्हीकल भी मिल चुकी थी, तो मैं फटाक से तो इसकी क्रेट थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। और इतने में यहाँ पर ब्रिज से एक बंदा अपनी व्हीकल से क्रॉस करता है, तो जस्ट मैं इसे स्पॉट करने आता हूँ, बट यहाँ पर यह बंदा रुकता नहीं है और यहाँ से निकल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये बंदा गलती से रुका पीछे आके, इसने अगर मुझे देखा होगा तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी का टायर फोड़ेगा, तो मैं फटाक से अपनी व्हीकल निकालता हूँ और जोन में एक अच्छे पोजिशन के लिए निकल जाता हूँ। अब गाइस मुझे जोन में एक अच्छा पोजीशन मिलता नहीं है, तो यहाँ पर मैं जोन के एस पे आ जाता हूँ और वेट करता हूँ थोड़े टाइम तक यहीं पर होल्ड करने का, बिकॉज जोन के अंदर के जितने भी कंपाउंड थे वो ऑलरेडी होल्ड थे, तो अगर मैं किसी भी पुश करता हूँ तो वहाँ पर मेरे मरने के और जो जीतने के चांसेस भी इक्वल थे। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जोन के एस से निकलने के थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद पुश करते, ताकि हमारी रैंक भी अप हो जाएगी और प्लस भी अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइस जोन स्टार्ट हो चुका था, तो यहाँ से अपने मैं व्हीकल लेता हूँ और जोन में एक अच्छे पोजीशन के लिए निकल जाता हूँ। और इतने में गाइस हमारे ऊपर आता है एक बैरल का स्प्रे, और यहाँ पर हम इजिली मर जाते हैं। और ये गाइस वही बंदा है डिस्टर्ब गॉड, तो फिलहाल के लिए तो बैन हो चुका है, बट परसों नाइट में इसकी रैंकिंग #2 चल रही थी और कल मॉर्निंग में इसे बैन पड़ गया था। मैंने वैसे तो इसे रिपोर्ट कर दिया था, और क्राफ्टन वाले ने बैन देखे वैसे अच्छा किया। अब गाइस मुझे मारने के बाद ये किस तरह से पूरी लॉबी खाली करेगा और चिकन लेगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना।